we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight tonight, that is 8th November 2016. हमें जितना पैसा लेने जाना था तुरंत हमें मिलता था, अपना बैंक में जमा हो जाता था। मुझे लगता है नोटबंदी सरकार की सबसे बड़ी भूल थी। पेट्रोल पंप पे गए तेल डलाने के लिए तो वहाँ पता चली नोट बंद हो गया। बच्चों की एक गुल्लक थी, थोड़ी अब बात खत्म कर क्या करते। उस दिन मेरा कम से कम एक महीने दो महीने तक की तो ग्राहक पैसे दे ही नहीं पाए थे। हाँ, लाइन में तो थोड़ा लगे थे क्योंकि खर्चा चलाने के लिए तो लगना पड़ेगा ना। इकोनॉमी तो पूरा डाउन ही हो गया था जब डिमोनेटाइजेशन जब आया था। पिछले 3 सालों में जो मतलब 10 रुपये का सेल होना था वो समझिए जो अब जो है ना 3 रुपये से 3.5 रुपये की सेल में रह गया। इतना डिफरेंट है, मतलब 35% काम रह गया। पहले तो गवर्नमेंट ने कहा था कि ये ब्लैक मनी को निकालने के लिए है, तो ब्लैक मनी का तो समझ में आया नहीं कि भाई वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरीके से लाएंगे। मगर यहाँ तो ब्लैक मनी पे जो है एक बहुत बड़ा प्रहार हुआ ही है, तो समझ में आ रहा है यहाँ काला धन बाहर रहा। कितने लोग कहीं टीने में छुपा के रखे थे, कहीं जमीन में गाड़ के रखे, सारा बाहर आ गया ना। तो नोटबंदी जैसे उन्हें नुकसान या फ़ायदा उन्हें होगा जिनके पास जैसे रुपया है, जैसे कि चोरी या चकारी का। यहाँ तो अपना सादा रूप से रहने वाले एक आम आदमी हैं हम लोग, तो हम पे तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं उसका। उसका फ़र्क तो उन्हीं पे पड़ा है जिन्होंने अपने बेड भर रखे थे, अपनी अलमारियाँ भर रखी थी। साउथ में कितना पैसा पकड़ा गया था उस टाइम की न्यूज़ें मैंने सुनी थी कि साउथ में कि इतना सोना और इतने 1000 करोड़ रुपया। एक्चुअली मैं उस वक्त हॉस्पिटल में था, भाई को डेंगू हो गया था, तो मैं हॉस्पिटल में बाहर बैठा हुआ था और रिसेप्शन में और न्यूज़ देख रहा था ऐसे, और आई थिंक 8 या 9 बज रहे होंगे तभी ये न्यूज़ आया। और तब मोदी जी वहाँ पे कह रहे थे कि आज से ये नोट ख़त्म, ये बस कागज़ के टुकड़े हैं। और मैं उस वक्त हॉस्पिटल में ही था, मैंने कहा भाई अगले दिन बिल कैसे जमा होगा, जो नोट तो मेरे पास पड़े हैं। तो अगले दिन जाके लाइन में लगे, नोट तो हमने जमा कर दिया, अब बारी थी पैसे निकालने की। कई ATM में भाई लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं, और मतलब इवन मेरे साथ तो 2-3 बार ऐसे हुआ कि मेरा नंबर आया और पैसे ख़त्म। पहले जो 2 नंबर से जितने भी काम हो रहे थे, फैक्ट्रियां या कुछ भी, वो ज़्यादातर बंद हो गए, 1 नंबर वाली चल रही है। ईमानदारी का काम रह गया सिर्फ। BSNL बंद होने वाली है, वो 2 नंबर से थी। BSNL की हालत ऐसी हो रखी है, BSNL गवर्नमेंट एजेंसी है ना, तो कोई ना कोई तो एम्प्लॉयों को सैलरी नहीं दे पा रही, ये हालत है उसकी। BSNL वाली मोस्टली गवर्नमेंट एजेंसियाँ की, उनका कोई कारण तो रहा होगा, हमें वही तो कह रहा है। और सरकार में ऐसा लगता है नोटबंदी तो ऐसा फैसला था जिसने पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट इंडिया कैसे सर्वाइव कर रहा है। पूरा 90% इकोनॉमी कैश से चलता है और उन्होंने रातों रात कैश बंद कर दिया, ये तो बहुत ही गलत फैसला था। फिर बाद में चला चलो ठीक है, जो हुआ सही हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ लेकिन सही है। GDP ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है, तो इससे लोग अभी आई थिंक अभी तक उभर नहीं पाए डिमोनेटाइजेशन। मतलब कुछ देश के कुछ लोगों को तो फायदा हुआ होगा इससे।